छावनी पुलिस स्टेशन इसके लिए आने गया कि हमारे यहाँ पर कोई प्रोफेशनल डीवाईएसपी मैडम आई हुई है गर्जे मैडम, उन्होंने ये हफ्ते भर के अंदर, यानी लोग कानून अगर हाथ में लेते तो इनका काम है कानून जिसने हाथ में लिया उसके ऊपर कार्रवाई करने का, आप उल्टा हो गया कि ये पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो ये मैडम आए हैं ये खुद कानून हाथ में ले रहे हैं। इन्होंने ये हफ्ते भर से लोगों को मार ठोक का जो कारोबार करके रखा है, इन्होंने रात को छावनी पुलिस स्टेशन के अंदर, आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन के अंदर जो है कुछ लोगों को पकड़ के लाया और रात को बेताशा उनको मारा, यहाँ तक कि उनके पैर के ऊपर खड़े होकर और पुलिस वालों को कहा गया कि इनको 10-10 पट्टा मारा जाए। ये कौन सी दादागिरी है? ये शहर अमन का गहवारा कहलाता है, मालेगांव शहर के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का शहर है और यहाँ पर गरीब मजदूर रात को पावर लूम सेक्टर है और यहाँ पर मजदूरी करता है, यहाँ पर चाय लगती है, खाने के लिए 2 आमलेट रखता है, रोटी लगती है शहर के लोगों को, और अगर इस तरीके की हरकत यहाँ पर अगर करेंगे कोई आकर तो ये हम शहर के लिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर ने क्या आश्वासन दिया? क्या बात? हमने एडिशनल एसपी साहब को लेटर दिए और लेटर के जरिए उनको कहा कि मैडम को तुम आपकी ज़बान के अंदर सम्मंस दीजिए, क्योंकि ये चांदौड़ के अंदर थे तो वहाँ पर इन्होंने चैलेंज किया था कि मैं मालेगांव अगर आऊँगी तो मालेगांव के लोगों को सुधार दूंगी। ये कौन सी बात है कि मालेगांव के लोग आतंकवादी है क्या? हम आज लेटर दे दिए, हम लोग गणपति तक के या देखेंगे 12 वफात के दिन तक का ये देखेंगे सारी चीज़ को, अगर इन्होंने अपने रवैये के अंदर नहीं लाया सुधार तो मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी रोड के ऊपर उतर जाएंगी। कानून का कोई किसी को हाथ में लेने की जरूरत नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है ये शहर के हिंदुस्तान के अंदर, हम वो संविधान को मानते हैं। अगर किसी की दुकान चालू तुम कायदे से उसके ऊपर केस करो, किसी को मारने का अधिकार नहीं। अगर हमने की मारने की इसके बाद बात सुने तो हमारे तेवर आप लाइन से कांग्रेस पार्टी के रहेंगे नहीं। हमने एडिशनल एसपी साहब को लेटर दे दिया है और इसके बाद हम 8-10 रोज़ इंतज़ार करेंगे और उसके बाद अगर ऐसी कहीं से भी हमारे को शिकायत आएंगी प्रूफ के साथ हम लोग शहर के ऊपर रोड के ऊपर आके बैठ जाएंगे। लेकिन 11 बजे के बाद से दुकानें जो है बेकायदे से काम नहीं, तो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, कानून किसी ने हाथ में लिया है तो उनका काम है कानून कार्रवाई करना चाहिए। हम उसके बारे में बोलने के लिए नहीं आएंगे कि तुम क्यों उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे। बहरहाल मार ठोक करने का ये कायदा नहीं है, ये दादागिरी हो गई मंजे रोड के ऊपर लाके मारने का, और वो पुलिस स्टेशन के अंदर रात को बेताशा मारा गया वो लोगों को रात को, यानी पैर के ऊपर खड़े रह गए पुलिस वालों को, कहा ये आदमी खड़ा है मेरे बाजू में, इनको लेकर जाकर बोला गया रात को इनको मारा गया। इन्होंने कहा साहब मैडम मैं हार्ट का मरीज हूँ, मुझे मन की तकलीफ है, बोले नहीं इनको हाथ पे फिर मारो अगर तकलीफ है तो। ये कौन सी बात है? हमने आज लेटर दे दिया, कांग्रेस पार्टी के तमाम जिम्मेदारान आए थे शहर के, हमने एडिशनल एसपी साहब को लेटर दिया, वो अच्छे ऑफिसर है, वो शहर की नब्जों को जानते हैं, आज वो अमन के लिए पूरा शहर के अंदर कोशिश कर रहे। पहले से त्यौहार अगर एक दिन आने वाला था तो उन्होंने पूरी कोशिश की शहर के अंदर कि भाई कौन से तरीके से त्यौहार पास हो, वो आदमी मेहनत कर रहा है और कोई आकर अमन ख़राब करेंगे तो हम शहर का हम भी बर्दाश्त नहीं करने वाले। इसके पहले भी आपने ऐसे ही पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया था, आप पर भी केस हो गया था। वो सब चीज़ से मैं डरता ही नहीं, मेरी ज़िंदगी के अंदर ये चलेंगे, मैं सच्चाई के खिलाफ लड़ने वाला आदमी हूँ, मैं हर हाल में लड़ता रहूँगा। कोई गरीब के ऊपर जुल्म करेगा, कोई लीडर बोले नहीं बोले, एजाज बेग बोलेगा ऐसे दस्ट है, मुझे जेल में जाना पड़े तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ।